लक्ष्य पाया कहाँ जाता है राधा, लक्ष्य तो जिया जाता है। मैं कभी तुम पर अधिकार करना नहीं चाहता, कभी तुम्हें प्राप्त करना नहीं चाहता। क्योंकि प्रेम भी लक्ष्य की ही भांति पाया नहीं जिया जाता है। तुम पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। मेरी बांसुरी और तुम मेरे लिए पूजा हो रहा था, मेरी आराधना। प्रीत हो मन मीत हो राधे मेरी मन मीत हो। नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वो सबको जल देती है, सागर जल लेता है इसीलिए खारा होता है, और नाला उसका बहना रुक जाता है और इसी कारण से वो दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय करते रहो तो मन में खटास बढ़ती रहेगी, और यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो, और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो। मन प्रसन्न होकर मेरे आसपास ये वृक्ष, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं आप, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं, ऐसी आंखें वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रूकुट, घने के, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम, प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझता है क्योंकि वो भाव से जुड़ी। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो राधे राधे। जब भी प्रेम की बात आती है हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों? आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा, जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा, अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा। और मन
प्रसन्न होकर बोलेगी, राधे राधे। प्रेम विधाता की सबसे सुंदर कृति, परंतु हर कृति को संभालना पड़ता है। अब इसी मूर्ति को देख लीजिए। जब कलाकार ने इसे रचा तब ये बहुत सुंदर थी, परंतु इसके पश्चात इसे संभाला नहीं गया। इसके स्वामी ने इसके देखभाल का कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया और अब ये मूर्ति असुंदर लगने लगी। इसी प्रकार केवल कह देने से प्रेम प्रेम नहीं हो जाता, इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना होगा। तो देश की रक्षा, परिवार और संबंधियों की सुरक्षा, संतान को संस्कार, जीवन साथी का आभार, ये कर्तव्य जब तक नहीं निभाओगे प्रेम से दूर होते जाओगे। तो यदि प्रेम का अमृत पाना है तो कर्तव्य की अंजलि बनानी होगी और मन से कहना होगा राधे राधे। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता हूं। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है न धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिसे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए, स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो, या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे। मन बड़ी ही विचित्र कृति है, यह मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी वनों उपवनों की इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता। अब यदि मन किसी से प्रेम करे
तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। राधे राधे। एक पिता के लिए उसकी संतान उसका गर्व है, उसका अहंकार है, और संतान के लिए उसके पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता और उसे पूरी करने की चेष्टा करता। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गर्वित करता है, किंतु ये बंधन एक स्थान पर आके टूट जाता। तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे। क्यों? कारण है संवाद की कमी। जब बात आती है संतान के विवाह की तो माता पिता सोचते हैं कि इसमें संतान से क्या पूछना, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं। और संतान का यह मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार। दोनों आपस में दुखी रहते हैं किंतु बात कोई नहीं करता। होना यह चाहिए कि माता पिता को उसी स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देखिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा, वृक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा, इनके घोंसलों को ना देखा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती, स्वयं भूखी रहकर निस्वार्थ निश्चलता से, और जब संतान के पंख निकल आते हैं वो उसे उड़ना सिखाती और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के। इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं, जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर न चली जाए। ऐसा नहीं कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है जो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। राधे राधे। एक शब्द है जो हमें कभी कभी या कहो कई बार सुनाई देता है, स्वार्थ। वो व्यक्ति स्वार्थी है, उसने स्वार्थ में आके ये बुरा कर्म कर दिया आदि इत्यादि। देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप का मूल मानने लगा, परंतु क्या स्वार्थ सच में बुरा है? नहीं। स्वार्थ ये शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से, यानी कि जिस कार्य में केवल स्वयं का अर्थ हो, केवल स्वयं का लाभ चाप हो, वो स्वार्थ। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका स्व क्या है? यदि आपके स्व में केवल आप हैं तो आप अवश्य स्वार्थी हैं। यदि आपके स्व में परिवार सम्मिलित है तो आप परिवार्थी हैं।
यदि आपके स्व में अन्य लोग सम्मिलित हैं तो आप परोपकारती हैं, और यदि आपके स्व में ये संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी हैं। तो अपने स्वार्थ से दूर ना जाएं, उसका विस्तार करें। अपने अस्तित्व का विस्तार करोगे तो ये स्वार्थ स्वयं ही परमार्थ में बदल जाएगा। अधेरा भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। राधेरा, इतना सुंदर पुस्तक है, सुंदर आवरण है, सजाए हुए पृष्ठ है, किंतु क्या ये सत्य में अद्भुत पुस्तक कहलाने की पात्र है? क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है, प्रेरणादायी है, हमारे लिए मूल्यवान है? कैसे निश्चय लिया जाए इस बात का? अब आप सोचेंगे कि सीधी सी बात है, आवरण को देख के पुस्तक की गुणवत्ता कैसे जानी जा सकती? इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, समय देना होगा, है ना? बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप। बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आप ये सारी बातें जानते हैं, किंतु किसी व्यक्ति के विषय में आप ये सारी बातें मन में नहीं लाते। व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसके वस्त्रों से, उसके शारीरिक रूप से या उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। पर हम क्या करते हैं? पहनावे, रंग, सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम समझ बैठते हैं, और आए दिन कोई ना कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई, उसे छल मिला। किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं, स्वयं आपका है। आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं परखे। प्रेम दो क्षण में बनने वाला पकवान नहीं है, इसका स्वाद चखने के लिए आपको जीवन भर का समय देना पड़ेगा। तो समय दीजिए, एक दूसरे के रूप से नहीं आत्मा से जुड़ी। निश्चित ही मन प्रसन्नता से कह उठेगा, राधे राधे। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा ये कहना असंभव है, और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं, और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा?
किंतु ऐसा नहीं है, आपके पास भी बहुत कुछ है, पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। राधे राधे। असमंजस में होंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, देखना चाहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं माटी पे माटी क्यों लिख रहा। इसके पीछे एक बड़ा कारण, किंतु वो बताने से पूर्व तनिक मुझे पानी पे पानी तो लिखने दीजिए। क्या हुआ, जो मैंने लिखा वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो ये रहा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। माटी पर माटी लिखना कितना सरल है, उतना ही कठिन है पानी पर पानी लिखना। संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। बनाते समय माटी पर लिखने जितने सरल और निभाते समय पानी पर लिखने जितने कठिन। अब प्रश्न ये उठता है कि पानी पे लिखा कैसे जाए। इस प्रकार ये पाषाण जल की सतह से होते हुए जल में समा गए। ठीक इसी प्रकार हमें संबंधों को भी निभाना है। इस पाषाण की भांति निष्ठा से गहराई में जाओ, संबंध कभी नहीं बिखरेंगे। राधे राधे। ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती है। और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है। किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए? क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाए, मौन रह गए। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उसे सहमति समझ लेते, फिर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है, और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाषाण के भांति बन जाता है। अपनी वाणी का आवश्यकता पड़ने पर सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ये समझना कि उसे कब तोड़ना है। राधे राधे। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया, निराश हो चुके, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाए, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं। किंतु ऐसा नहीं, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना, कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए, और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या। अपने अंतर मन को जगाएं, आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। राधे राधे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानम् अधर्मस् तदात्मानम् सृजाम्। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता। ये तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बनकर ही अवतरित हूं? क्यों मैं मनुष्य के रूप में आपके बीच में रहता हूं? आज बताता हूं। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे आना ही होता है। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते। चौकी है मन, मैं आप ही में बसता हूं। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते, इसलिए मुझे आना पड़ता है आपको यह बताने कि सारी शक्ति आपने ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान मुझे पूछते, मुझसे शक्ति मांगने लगते, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं और हर नारी में लक्ष्मी, तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए इस समय के चक्र। मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आए, तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकड़ के समान रहना हो। राधेर, कभी आपने सोचा इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संता। नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है, और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला, और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं, तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाएं, आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाए। राधे, अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहां पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार, यहां के लोगों, सोचते हैं कि काश मैं यहां पे आया ही ना। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे, तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे।
हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी। मनुष्य इन्हीं भावों से हम जुड़े, किंतु ये क्रोध क्यों आता है कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में ना रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता, यदि भ्रम को वश में ना रखा जाए तो विवेक व्याघ्र होने लगता, और यदि व्याघ्रता को वश में ना किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता, सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए कहें। राधे राधे। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना, वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों। आपके हाथ में है वर्तमान, वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाए और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। राधे राधे। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। राधे राधे। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के तीन मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करे। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे, स्वयं को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में, किंतु तिरस्कार, तिरस्कार कभी ना। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती। इसीलिए मित्र बनाएं, आनंद लें और मेरे साथ कहें,
राधे राधे। लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है, और मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या, उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख। कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसे, कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसे। वैसे भी देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं, और जिसके पास ढाई अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोष। तो आप इस कोष को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी, किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है, मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने, किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण, यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगो। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार, तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुक कर रहना होगा। इसीलिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता ले, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाए, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहे। राधे राधे। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है जान पहचान का, और आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इस बात से किया जाता है कि इसकी पहचान किससे, इसकी पहचान कहां तक है। क्यों, आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान के बल पर आपका काम बना लेते हैं, ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पा लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे। किंतु आप तनिक सोचिए, क्या ये ठीक, पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे, संबंधों में खटास आई और काम निकल गया हाथ से, तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है काम। अपना काम पूरे मन से करो, अपना काम निश्चय से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। राधे राधे। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है, और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हमें एक और गुण भी भेजा, प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा, न कुछ बोल पाता है ना कुछ समझ पाता, किंतु अपने घुटनों के बल पर समस्त आंगन नापने का प्रयास करता, खड़ा होता, गिरता, फिर खड़ा होता, और अंततः वो चलना सीख ही जाता, क्योंकि वो
अपने मन से नहीं हारते। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता है। इसलिए कहते हैं युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। राधे राधे। प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती हैं कुछ कहानियां, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं। पर सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा रहा, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे, तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कंधों पर डाल देंगे। परंतु इस सब का कारण केवल एक तत्व की कमी, कमी है ढाई अक्षर की, कमी है प्रेम। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, न शस्त्रों के बल, न पाताल की गहराइयों, न आकाश के तारों। तो ये प्रेम है का? कैसे पाया जाता है? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यही समझाने का। तो आई भागी बनिए इस यात्रा की, साक्षी बनिए प्रेम की इस भाव विभोर कर देने वाली महागाथा की, जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए आपको ना कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र। बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जब मैया खीर बनाती है तब वो हमें बहुत भाती। क्यों? किंतु मैया खीर कैसे बनाती? पहले वो भात और दूध का प्रबंध करती है, फिर वो मीठे का प्रबंध करती है, फिर वो आंच पर इसे देर तक पकने देती है ना सरल? इतना भी सरल नहीं। इस जीवन में आनंद की खीर चखने का भी यही तरीका है, किंतु इसमें समय बहुत लगता है। शुद्ध श्वेत दूध जैसे भावों में, कभी न टूटने वाले संबंधों में प्रेम की मिठास मिलाकर, जब प्रयास और परिश्रम की आंच पर देर तक पकाया जाता है, तब बनती है आनंद रूपी खीर। स्मरण रखिए, शुद्धता भावों की, मिठास प्रेम की और प्रयास आत्मा की। इन तीनों को मिलाओगे तब भी जीवन में आनंद पाओगे। राधे राधे। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए? अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती? हर रस्सी में तीन डोरियां होती जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस
विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें, जो आपकी जीवन की ये तीन डोरियां जानता है, समझता है। पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये तीन डोरियां, ये तीन बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधें, तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं। राधेरा, मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय लें, और निर्णय लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ना है ना। परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों कुछ ही लोग इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? इसका कारण है और यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच को, अपने निर्णय को बदल लेते हैं। इसलिए यदि इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो, तो अपने मार्ग तक पहुंचने का आपका मार्ग बदलो, अपनी सोच और अपना निर्णय नहीं। राधेरा, हम में से कई लोग इस विषाद से ग्रस्त रहते हैं कि हमें हमारे जीवन में अपेक्षित सुख सुविधा कभी प्राप्त ही नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य ही यही है, क्योंकि हम ऐसे परिवेश में जन्मे। किंतु क्या आपका जन्म आपका प्रारब्ध निश्चित करता है? कुछ सीमा तक करता, जैसे वर्षा की बूंद जब बादलों से जन्म लेती है, तो उसका प्रारब्ध होता है धरा पर गिरना। किंतु वो धरा पर कहां गिरती है, ये निश्चित करता है कि उसका भविष्य क्या होगा। केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाती, सीप के मुख में गिरे तो मोती बन जाती, विषधर पी जाए तो विष बन जाती। बूंद एक ही, प्रारब्ध तीन, तो प्रारब्ध हमारा जन्म नहीं, हमारा चयन निर्धारित करता है। इसलिए अपना चयन सोच विचार करके करें। राधेरा, गर्मी की ऋतु आने पर एक मीठी सी कूक सुनी होगी, मन में बैठ जाती, कोयल की कूक, बड़ी मीठी बड़ी प्यारी। वैसे एक और पक्षी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है, हमारे घर के आसपास ही होता, हरियाला रंग, लाल चोंच, ठीक पहचाना तो? ये दोनों ही पक्षी हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, मन को शांति देते हैं। किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर, कोयल वन उपवनों में स्वतंत्र रहती है, तोता कई बार हमारे घर के पिंजरे में बंधा हुआ पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है आप? क्योंकि कोयल अपनी बोली बोलती है, तोता किसी और की बोली की नकल करता। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं, वो इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। जो किसी और का कहा करते हैं बिना आत्ममंथन के, वो बंदी हो जाते हैं, कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के। तो क्या बनना चाहेंगे आप, कोयल या तोता? निर्णय आपका। राधेरा, उड़ना किसे नहीं भाता, सफलता के आकाश पर सवारी करना कौन नहीं चाहता।
सब चाहते हैं कि इस संसार में उनका नाम, उनकी पहचान सबसे ऊपर हो, कि उनका नाम इतिहास में स्मरण रखा जाए। परंतु सबका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। कुछ लोग नाम पाकर भी बेनाम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरातल से नाता तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं ये बात कि उड़ान पूर्ण होने के पश्चात धरातल ही उन्हें विश्राम देगा, कि उनके कारनामों पर तालियां बजाने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले धरा पर ही रहते हैं, और धरती पर रहने वाले लोग ही इतिहास लिखते हैं। तो सफलता का आकाश नापी, पर अपनों से, उन लोगों से मत कटिए जो आपकी इस सफलता का आधार है। तभी इतिहास में नाम होगा और तभी आप भविष्य में प्रसन्न रहेंगे। राधे। अक्सर आपने आपके माता पिता, आपके हितैषी, आपके शुभ चिंतकों के मुंह से ये सुना होगा, इसे कुदृष्टि लग गई है, इसकी कुदृष्टि उतारो, ये मत करो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार ना करो, वो मत पहनो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। और कुछ तो इस कुदृष्टि का उपचार भी कर लेते हैं, मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से कुदृष्टि उतारते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, उचित है। किंतु मैं कुदृष्टि को नहीं मानता। मैं मानता हूं यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कुदृष्टि आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती। आंधियां भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती है जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते। बवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमजोर होते। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। एक ही स्थिति, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं, अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। बालपन से कहीं पहेलियां सुलझाई होंगी आप, क्यों? तो आज एक और सुलझा लीजिए। बताइए आपके जीवन में वो कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। समझदार को एक संकेत ही पर्याप्त है। उचित सोचा आपने। वो वस्तु है समय। क्यों? क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु? उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता। संसार उसकी कला पहचानता, उसे महत्व देता। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को भुला देता है। इसीलिए समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ ना करें। क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। तो प्रेम से बोल राधे। जीव जन्म लेता है और उसके साथ ही जागती है उसकी स्मृति। स्मृति बड़ी ही बलशाली किंतु विचित्र अनुभूति होती, सदा आपके साथ रहती। आपके साथ जो जो घटता है वो कहीं ना कहीं किसी स्थान पे संचित रहता।
किंतु कभी कभी हम भूल जाते हैं कि स्मृति हमारी, तो इसमें हमें क्या सहेजना है और क्या मिटा देना है ये हम पर निर्भर करता। इस जीवन में क्या सहेजना चाहिए? सुख, आनंद के क्षण, वो क्षण जहां किसी ने हम पर उपकार किया, वो क्षण जहां किसी ने अपनी मित्रता निभाई, वो क्षण जहां हमने किसी को सुख दिया, और हम क्या स्मरण रखते हैं? अपने दुख, पीड़ाएं। वो क्षण जहां किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, वो क्षण जहां किसी ने शत्रुता निभाई, और फिर यही स्मृतियां हमें प्रेरित करती है प्रतिकार के लिए। इसलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या स्मरण रखना है ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए, किंतु ये अवश्य स्मरण रखिएगा, भूलने वाली बातें याद है, इसीलिए विवाद है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ ये तना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूट कर ना गिर जाए, किंतु नहीं, समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। राधे राधे। प्रकृति ने सभी जीवों की रचना की, भूख की मांग के लिए सबको पेट दिए, और व्यवस्था भी की कि हर कोई परिश्रम से अपना पेट भर सके, है ना? और संसार के इन सारे जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धन की मुद्रा का आविष्कार किया, धन कमाना सीखा। और आश्चर्य की बात भी ये है कि मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पाए। क्यों? इसका कारण है लोभ। इस संसार में कोई भी जीव हो, शाकाहारी या मांसाहारी, केवल उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करता। पर मनुष्य इकट्ठा करता रह जाता है, किंतु ना अपने मन की भूख मिटा पाता है, ना ही अपने शरीर। इसलिए यदि कुछ अर्जित करना है तो शुभ कर्म और ना, अन्यथा इस संसार से भूखे पेट जाना होगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते। हम ये सब मानते हैं, किंतु अपनाते कितना? अब आप कहेंगे कि हम स्त्रियों को सबके सामने सम्मान देते हैं, उसके जन्म दिवस पर या विवाह की वर्षगांठ पर हम उन्हें उपहार देते हैं आदि इत्यादि, किंतु क्या ये पर्याप्त? आप सोचिए, एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करती, और उसे हम क्या केवल एक भेंट देकर उसे संतुष्ट मानें? स्त्री को सुवर्ण आभूषण नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपसे सम्मान, सबके सामने भी और एकांत में। उसे चाहिए आपका समय, आपका समर्पण और थोड़ा सा प्रयास कि आप उसे जता पाए कि हाँ, आपके जीवन में उनका स्थान, बराबरी का भाव, तभी आप कह पाए जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता।
राधे राधे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है ना। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पे छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना, कोई मित्र ना, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते नहीं। अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ पक्षियों को देखा है मैं, जीवन भर घोंसला बनाते रहते, यहां से डाली लेकर वहां से तिनका लेकर, सदा इस कार्य में रहते हैं कि अपना घोंसला बना सके। और इस कार्य में इतना खो जाते हैं कि स्वयं के पंखों के अस्तित्व के विषय में भूल ही जाते हैं। भूल जाते हैं कि उनके पास एक विशाल आकाश भी है उड़ने के। और फिर ये जीवन उस घोंसले की आहुति चढ़ जाता है। हम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। जीवन जीने के लिए धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें जीवन जीना भी है। धन जीवन जीने के लिए होता है, जीवन धन कमाने के लिए नहीं। तो आप केवल घोंसला बनाते मत रहिएगा, अपने पंख फड़फड़ाइए और उड़ान भरिए इस खुले आकाश में। तो प्रेम से बोल राधे राधे। चींटी का जीवन बहुत ही कम होता, दो दिन, अधिक से अधिक एक सप्ताह बस। कितनी कम भोजन की आवश्यकता होती है उसे, किंतु फिर भी वो चलती रहती है, कर्म करती रहती है। अपने आने वाली पीढ़ियों की विरासत के लिए कर्म ना रोको, करते रहो, चलते रहो। कुछ ना मिला तो चलने में सिद्धास्त हो जाओ, लक्ष्य ना मिला तो एक सुगढ़ यात्री तो बन पाओ। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उसे अधिक पाना चाहता, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता। अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाना चाहता। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके।
उसके जीवन में परिवर्तन ला सके, और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए, वो आप स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकते हैं, वो आप स्वयं है जो स्वयं को मार दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए कि इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। जीवन बदल जाएगा, और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए, आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तो प्रेम से बोल राधे। जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते, तो अपने भीतर ये तीन गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव इन तीन गुणों की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। वो सदा प्रसन्नता से कहे राधेर। हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक जो हमें जीवन जीने की आवश्यक कला सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, और जाने के पश्चात भी इनाम कैसे रह पाएगा ये बताता है। किंतु यदि कोई ये प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा माँ, क्योंकि इस संसार में माँ से अधिक सीख और कौन दे सकता है। कोई कहेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाता है। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है, ये पहले आपको सिखाते हैं और फिर आपकी परीक्षा लेके देखते हैं कि आप क्या सीखे। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो इनसे उल्टा करे, जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाए। क्या कहो कि परीक्षा देते देते आप स्वयं ही सीख जाएंगे। ये शिक्षक है अनुभव। इसलिए अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने है ना। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर वो मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा ना कर, निर्णय कर और फिर निश्चय, सब मिलेगा। तो प्रेम से बोल
राधे राधे। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लौ मानो आत्मा के भीतर जाकर मन में उल्लास भर देते। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया था। क्योंकि जब तक ये तीली अन्य बातियों को जला रही थी, तब तक ये जल रही थी। किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया, इसे स्वयं बुझना पड़ा। समझे? जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। यदि जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे, तो जीवित रहोगे। और जिस दिन ये करना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान हो। इसलिए जब तक श्वास है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहे। तो प्रेम से बोलो, राधे। जब से जीव अस्तित्व में आए, तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। किंतु सबका एक उलाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा। उन्हीं के पाव में छाले पड़ते हैं जो नित चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप जानते हैं, अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना एक छोटा सा घर बना पाती, जो अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है, वो चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे न रहे, इनके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका स्वागत करता जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते। तो प्रयास करते रहे, सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगी। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, किंतु जैसे ही उनके आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहते। बड़ा क्रोध आता है ना, मन खिन्न हो जाता। मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करें। ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता जब अंधकार गहरा हो जाता। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो। भाग्यवान समझिए खुद को कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य है। किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर।
मन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो अंग जो तत्व हमें मिले उन सब का अपना अपना एक संदेश है। दो आंखें दी हैं देखने के लिए, दो कान दिए हैं सुनने के लिए, नथुने भी दो, दो हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, किंतु जीव केवल एक। उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए हैं उनकी रक्षा के लिए। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। तो समझे ना? देखो सुनो समझो अधिक, बोलो कम। राधे राधे। इस तालाब को देख रहे हैं बच्चे बूढ़े युवक, किसी से भी मैं पूछ लूं कि ये क्या है तो सबका उत्तर एक ही होगा। उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न ये होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहें। कोई कहेगा कि मैं यूं ही किनारे पे बैठ के इस जल को स्पर्श करके शीतल वायु का आनंद लेना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं इस तालाब में तैरना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं कागज की नाव बना के इसमें छोड़ना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं मछली पकड़कर जीवन यापन करना चाहूंगा आदि इत्यादि। आपको एक बात बता दूं कि हमारा जीवन भी इसी तालाब की भांति एक समान, किंतु हमें इसके साथ क्या करना है यह निर्णय हमारा है। इस तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे कीचड़ भी मिलेगा। यदि आप मोती पाना चाहते हैं तो आपको उस गहराई तक जाना होगा। उतने प्रयास आपको करने होंगे तब जाके आप मोती पाओगे, अन्यथा केवल कीचड़ हाथ लगे। किंतु जो मैं सदैव कहता, निर्णय आपका है। राधे राधे। इस फल को देख रहे हैं आप? ये वो फल है जो पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखा पर पाया जाता है। किंतु जब ये टूटता है तब ये उस आकाश की ओर नहीं जाता जो ऊपर हो, वह जाता है उस धरती की ओर जो नीचे से उसे तक रही होती। क्यों? क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का ज्ञान धरती की नीचाई देखकर होता है। यही बात हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें जो आपसे सामर्थ्य में कम, जिनको सहायता की आवश्यकता आप सामर्थ्य में अधिक है क्योंकि वो आपसे कम। देखिए जीवन में आनंद केवल बढ़ना नहीं बल्कि उनकी सहायता करना भी है जो किसी कारणवश आपसे नीचे रह गए। और